नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, अमेरिका जैसे देशों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इसको लेकर लोगों को सतर्क किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की भी अपील कर दी है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिख दिया है। और इसी खबर पर कोरोना को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैयद मुबशिर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद, जिस तरह से कोरोना का कहर दोबारा से देखने को मिल सकता है, इसको लेकर क्या अपडेट है और क्या सावधानियां बरतने की भी जरूरत है? बिल्कुल सुमन, देखिए जिस तरीके से चीन, जापान और दूसरे देशों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और साथ के साथ दूसरे तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उसमें भारत में भी आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही है कि अगर इस सब चीजों पर जो सावधानियां बरतनी थी, बीच में कोरोना के मामले जब कम हुए हैं तो फिर उस पर ढील इतनी ज्यादा क्यों दी गई या इतनी ज्यादा ढिलाई क्यों बरती गई, तो ये एक बड़ा सवाल जरूर पड़ता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस बार राजस्थान में आज आखिरी पड़ाव होकर आज उन्होंने एंट्री की है हरियाणा में, तो इस पर लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। खुद जो स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं, वो उन्होंने एक लेटर लिखा है राहुल गांधी को, उन पे एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। क्योंकि राजस्थान के बीजेपी के एक सांसद ने जब चिट्ठी लिखी, उनको पत्र लिखा है मनसुख मांडविया को, उनको कहा यह गया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका है, जिसको लेकर है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी हमलावर होते हुए साफ तौर पर आज सदन के अंदर गांधी प्रतिमा में इस चीज को मुद्दा उठाया, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा रही है, जिसको लेकर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा तैयार करने की कोशिश है महज। लेकिन सावधानियां बरतने के लिए जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो कोविड प्रोटोकॉल था उसको दोबारा से पालन करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ तक कि कई राज्यों में जितने भी जिला स्तर पर डीएम हैं, उनको सबको दिशा निर्देश दिया गया, खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दूसरे जो राज्य हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये साफ तौर पर है कि लगातार कोरोना के मामले से जिस तरीके से आने वाले दिनों में अगर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी हो जाएगा एक बार फिर। जी बिल्कुल सैयद, जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो रोकने की जो अपील कर दी है, इसको लेकर सिर्फ क्या कोरोना की जो गाइडलाइंस होंगी वो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर होंगी या फिर इसको सिर्फ राजनीतिक रूप दिया जा रहा है कोरोना को लेकर? बिल्कुल, देखिए दोनों चीजें हैं सुमन, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान का कल खत्म हुआ उनका चरण, आज वो हरियाणा में एंट्री किया और यहाँ के बाद फिर सीधा दिल्ली की तरफ आएंगे, 24 तारीख को दिल्ली में आयोजित। तो एक कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो हजारों की संख्या में, चाहे वो कार्यकर्ता हो, आम जनता हो, दूसरे नेता हो, जो चल रहे हैं उनसे कहीं ना अगर इस तरीके की चीजें होती है, कोरोना के मामले बढ़ते हैं, तो थोड़ा असर जरूर देखने को मिलेगा इससे, जिसको लेकर चिंता जताई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। तो इनको थोड़ा गाइडलाइन फॉलो करने के लिए, चाहे वो मास्क को लेकर हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो हैंड सैनिटाइजर की बात हो, इन सब चीजों के लिए फिलहाल कहा गया है अभी। और वही दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात करें, तो कांग्रेस सदन में भी ये चीज कह चुकी है और आज भी कह रही है। आज जिस तरीके से हंगामा है सदन के बाहर, विपक्ष पूरा, 12 दलों का पूरा विपक्ष जो था वो एकजुट होकर, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही है, और सोनिया गांधी, ये सब कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से सफल हो रही है, जनता का समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराई है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि इस तरह की चीजें हो रही है। तो राजनीति होना भी लाजमी है, क्योंकि जब भी कभी इस तरीके की चीजें होती हैं तो उसपे पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर जरूर होता है सुमन। बिल्कुल सैयद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो लगातार कोरोना को लेकर अब केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें आपको कि अलर्ट मोड पर अब सरकार नजर आ रही है साफ तौर पर, और इसके साथ ही कोरोना से सतर्क रहने के लिए भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक में 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सभी बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। प्रदेश के विकास के लिए समय समय पर कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद नीतिगत फैसले लिए जाते हैं और इसी के तहत पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, परिवहन, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग सहित कई विभागों से संबंधित विषयों पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।
तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बैठक में ही 20 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल की ये बैठक हुई जिसमें बताया जा रहा है कि 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और बैठक में 20 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सभी बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर भी लगा दी है और प्रदेश के विकास के लिए समय समय पर कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद नीतिगत फैसले दिए जाते हैं। और इसी के तहत पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, परिवहन, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग सहित कई विभागों से संबंधित विषयों पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। धन्यवाद, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में 20 मत लिए गए थे, तो एक एक करके मैं आपको उसके बारे में अवगत कराऊंगा। उसका पृथक से जो प्रेस नोट है वो भी हम जो सूचना विभाग के हमारे अधिकारी हैं उनको उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा यदि कोई और विस्तृत आप लोगों को जानकारी चाहिए जिस जो कि प्रेस नोट में आज मैं बता रहा हूँ उसके अलावा है, तो आज माननीय मंत्रिमंडल में संबंधित सचिवगणों को भी ये बता दिया गया कि जो भी और डिटेल होंगे वो आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। सबसे पहला मत हमारा ये सचिवालय प्रशासन विभाग का था, ये उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली के संबंध में है। ये जो है नियमावली है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। इसमें शैक्षिक अर्हता अन्य प्रदेशों की बात ही हाई स्कूल के स्थान पर इंटरमीडिएट किया जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 24 दिसंबर को छात्र संघ के चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम महाविद्यालय में छात्र चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। पौड़ी जिले के राजकीय महाविद्यालय सतपुली में छात्र संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन तक केवल 4 पदों पर ही नामांकन किया गया है। और आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव में जिन 4 पदों के लिए नामांकन हुआ है उनमें सिर्फ NSUI के ही प्रत्याशी शामिल है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में यहां का छात्र संघ चुनाव अब एक तरफा हो गया है और जिसकी अब औपचारिकता की बाकी है और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जाँच होगी और इसके बाद ही प्रत्याशियों की संख्या स्पष्ट हो पाएगी। और फिलहाल आपको बता दें कि NSUI से 4 प्रत्याशी छात्र संघ चुनावी मैदान में हैं और जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं उप जिलाधिकारी चौबट्ठा खाल संदीप कुमार ने भी राजकीय महाविद्यालय में चल रहे छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण किया और ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तौर पर निपट सके और छात्र संघ चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अवधेश उपाध्याय ने बताया कि छात्र संघ चुनाव में केवल 4 पदों पर ही नामांकन किया गया है और जिसमें अध्यक्ष पद पर दिव्या बुटकोटी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पर अभिषेक, कोषाध्यक्ष पर आकाश और इसके साथ ही महासचिव पद पर दिव्या के नामांकन किया गया, जबकि उपाध्याय महासचिव पद पर ही कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है। अब नामांकन पत्रों की जाँच होनी है और जबकि नाम वापसी के लिए भी प्रत्याशियों को आज का समय दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया थी शासन चुनाव की जिसमें 4 बच्चे एलिजिबल थे जिन्होंने जो है नामांकन किया है। अभी इनकी एलिजिबिलिटी जो है टेस्ट होनी है, उस तदुपरांत जो है इनके प्रपत्रों की जांच होगी, वैध प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। हमारे यहाँ नामांकन किए हैं बच्चे, उसमें अध्यक्ष पद के लिए दिव्या बूढ़ा कोटी BCOM फर्स्ट सेमेस्टर से और महासचिव के लिए कुमारी दिव्या हैं BA तृतीय वर्ष की, कोषाध्यक्ष पद के लिए आकांक्षा हैं BA थर्ड ईयर की हैं और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए अभिषेक BSc सेकेंड ईयर से। इतने ही नामांकन हमारे पास अभी तक सबमिट हुए हैं और इसको देखना है कि इसमें कितने बच्चे जो है अपना नामांकन वापस लेते हैं या रहते हैं। मथुरा में देर रात ऑटो सवार बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान ही पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश जाकिर घायल हो गया और जिसे उपचार के लिए पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि ऑटो सवार बदमाशों द्वारा मथुरा जंक्शन से एक महिला को पुराने बस अड्डा जाने के लिए बिठाया था, लेकिन बस अड्डा ना छोड़कर बदमाशों द्वारा
केआर डिग्री कॉलेज के पास सुनसान क्षेत्र में जाकर महिला के साथ छेड़खानी की और भीड़ इकट्ठा होता देख बदमाश महिला का बैग लेकर फरार हो गए, जिसके बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ देखने को मिली है। बताया जा रहा है, जानकारी सामने आई है कि एक बदमाश इसमें घायल भी बताया जा रहा है। बताते चलें आपको कि आरोप है कि ऑटो सवार बदमाशों द्वारा मथुरा जंक्शन से एक महिला को पुराने बस अड्डा जाने के लिए बिठाया गया था, लेकिन बस अड्डा न छोड़कर बदमाशों द्वारा केआर डिग्री कॉलेज के पास सुनसान जगह पर महिला को ले जाया गया और उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी गई और भीड़ इकट्ठा होता देख बदमाश महिला का बैग लेकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में अब जुट गई है। बीती रात बागेश्वर धाम से एक महिला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरी और वहां से एक टेम्पो द्वारा वह पुराना बस स्टेशन जाना चाह रही थी। टेम्पो में ड्राइवर और उसका एक साथी मौजूद था। वो लोग उसको स्टेशन न ले जाके केआर डिग्री कॉलेज के पास ले गए, जहां उसके साथ छेड़खानी की करने लगे। इसी बीच कुछ यात्री आ गए जिन्होंने शोर मचाया और वो महिला का बैग लेके फरार हो गए। इस पर थाना कोतवाली नगर में 354 खा 394 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दिन भर पुलिस की टीम अभियुक्तों की तलाश में थी। मुखबिर की सूचना पर गोविंद नगर पुलिस और कोतवाली पुलिस ने यहां अभियुक्तों को घेरा। इस घेराबंदी में अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसके जवाब में। और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से हमारे सहयोगी पिंटू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, एक बदमाश इसमें घायल बताया जा रहा है, ये भी जानकारी है कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कारण रहा मुठभेड़ का और पूरी खबर जो है विस्तार से बताइए। जी आपको बता दूं, मैं थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला जो की है आई थी और जिसने ऑटो सवार में बैठी थी, तभी ऑटो सवार में दो बदमाश आते हैं, दो बदमाश उस ऑटो को लेकर एक केआर डिग्री कॉलेज के पास ले जाते हैं और उस महिला के साथ जबरदस्ती प्रयास करते हैं। तभी महिला ने 112 नंबर पर सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज कराया। ये अपराधी साथे थे, बदमाश थे, ये बहुत काफी समय से फरार डोले, तो आज रात्रि को ये बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जी जी पिंटू, ये ऑटो का मालिक था जो ये बदमाशों के साथ इकट्ठा था और इसके साथ ही महिला को उसने जो यहाँ पर केआर कॉलेज के पास ले गया, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। जी मैं आपको बता दूं, जो ऑटो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर की कुछ मिली व्यवस्थी थी, ऑटो ड्राइवर की मिली व्यवस्थी थी, इसीलिए ऑटो की डर की वजह से वो केआर डिग्री कॉलेज के पास ले गया, क्योंकि उसे भी डर था कहीं ना कहीं मुझे ना मुझे गोली से मार दे। तो ऑटो ड्राइवर बहुत भयभीत हो गया था, ऑटो ड्राइवर ने बहुत शोर सवार मचाया और आस पास के लोग इकट्ठे होने के बाद में जब पुलिस को सूचना दी, जब पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की। जी पिंटू, ये जानकारी भी सामने आई है कि भीड़ इकट्ठा जब होता देखा बदमाशों ने तो महिला का बैग लेकर फरार हुए और महिला को वहीं पे छोड़ दिया। जी 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 मैं आपको बता दूं, जो महिला का जो बैग लेकर जो बदमाश जब भाग रहे थे तो आसपास के लोगों ने भी बहुत काफी त्रास किया था उसे पकड़ने के लिए, पर वो छात्र बदमाश साथ में आए। जी पिंटू, इसमें एक बदमाश घायल भी हुआ है, ऐसी भी जानकारी है? जी जी एक बदमाश इसमें घायल हो गया, बाकी दो फरार चल रहे हैं, इसमें पुलिस उसकी जांच कर रही है। जी पिंटू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। जानकारी सामने आई है कि बदमाश और मुठभेड़ जो पुलिस है उसके बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हादसे में ही बताया जा रहा है कि एक बदमाश घायल हो गया है, जिसके पैर में गोली लगी है और जिसके बाद पुलिस ने उसको फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से ये बदमाश जाकिर नाम बताया जा रहा है जो घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आरोप है कि ऑटो सवार बदमाशों द्वारा मथुरा जंक्शन से एक महिला को पुराने बस अड्डा जाने के लिए बिठाया गया था, लेकिन बस अड्डा न छोड़कर बदमाशों द्वारा केआर डिग्री कॉलेज के पास महिला को ले जाया गया और जहां पर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई और भीड़ इकट्ठा देखने के बाद ही बदमाश घबरा गए और उन बदमाशों ने महिला का बैग लेकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश अब कर रही है।
महाराजगंज जनपद में घने कोहरे के कारण गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के सोनौली कोतवाली के सामने पेट्रोल से भरी टैंकर और इसके साथ ही टूरिस्ट बस में आमने सामने टक्कर हो गई। और ये भी बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि जिसमें दोनों गाड़ियों के ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि टूरिस्ट बस पर्यटकों को नेपाल उतारकर वापस बनारस की तरफ जा रही थी और बस में पर्यटक सवार नहीं थे। वहीं नेपाल जा रही पेट्रोल से भरी टैंकर पलटी नहीं और नहीं तो एक बड़ी घटना यह हो सकती थी। आपको बता दें कि सोनौली कोतवाली के सामने हुई सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने घायल 3 लोगों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा। और वहीं आपको बता दें कि बस के ड्राइवर को घंटों मशक्कत के बाद जेसीबी और कटर की मदद से बस से निकाला गया है, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर भी कर दिया गया है। तो महाराजगंज से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर टैंकर और बस में टक्कर बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद में घने कोहरे की वजह से ये घटना होनी बताई जा रही है। और इसके साथ ही टक्कर इतनी जोरदार थी कि टूरिस्ट बस और आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों गाड़ियों के ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको ये भी बता दें कि बस जो थी वो पर्यटकों को नेपाल उतारकर वापस बनारस की तरफ जा रही थी और बस में पर्यटक सवार नहीं थे, वरना कोई बड़ा हादसा होने की संभावना थी। और नेपाल जा रहे पेट्रोल से भरे टैंकर पलटी नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि सोनौली कोतवाली के ही सामने सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बस के ड्राइवर को घंटों मशक्कत के बाद जेसीबी और कटर की मदद से बस से बाहर निकाला गया है, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सर, अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग कोतवाली कुमसरा बाईपास मोड़ पे हैं सोनौली में। नेपाल से एक बस आ रही थी, टूरिस्ट बस थी, और घने कोहरे के कारण इधर से टैंकर जा रहा था, दोनों आपस में भिड़ गए और काफ़ी मशक्कत के बाद इनको निकाला गया। ड्राइवर उसमें फंसा हुआ था, उसका काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया है, इसमें 4 लोगों को चोट लगी है। इनको अभी अपने प्राइवेट गाड़ी से भिजवाया गया अस्पताल में और जिनका इलाज वहाँ होगा। अच्छा, किससे निकाले ड्राइवर, कैसे पता किससे निकाला गया आपको? जेसीबी से निकाले, मैंने अपने पर्सनल जेसीबी से संसाधन से सारे लोगों को लेकर के हमने निकाला इसको। अच्छा, ये टूरिस्ट बस कहाँ से आ रही थी? नेपाल से आ रही थी। कहाँ के टूरिस्ट थे ये? अब इसको पूछना उन लोगों से नहीं, कहाँ इस समय कहाँ कौन पूछ रहा है कि इसे कैसे क्या किया जाए। अब वहाँ आफत में सारे लोग देखा कि घायल पड़े हुए हैं, किसी तरीके से निकाल कर उसको पहुँचाया जाए। इसमें पुलिस के लोग भी लगे हुए थे, सब लोग सारे लोग थे, यहाँ के आसपास के स्थानीय लोग भी थे। फिरोजाबाद में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में लेखपाल किसी ग्रामीण से उसके काम के बदले रिश्वत ले रहा था और वीडियो वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मामले को लेकर उप जिलाधिकारी ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। रिश्वतखोर लेखपाल तहसील टुंडला में तैनात है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद से खबर है जहाँ पर उप जिलाधिकारी ने वीडियो को लेकर जो जानकारी सामने आई है कि लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी ने वीडियो का संज्ञान भी ले लिया है। ये भी जानकारी आपको दे दें, फिरोजाबाद से खबर है कि लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वीडियो जो है वो बनाया गया है। और इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि किसी ग्रामीण से उसके काम के बदले रिश्वत लेने का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मामले को लेकर उप जिलाधिकारी ने जांच के आदेश भी अब दे दिए हैं। रिश्वतखोर लेखपाल बताया जा रहा है कि तहसील टुंडला में तैनात है। और इसी खबर पर हमारे साथ फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी किशन चंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, जिस तरह से ये जानकारी सामने आ रही है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो किसका है, पूरा अपडेट दीजिए। ये बताया जाऊंगा, ये मामला जो है फिरोजाबाद के थाना टुंडला तहसील टुंडला का है। ये यहाँ पर अनिल कुमार नामक जो है एक लेखपाल है, जो की किसी किसान से रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं।
और बताया जा रहा है कि जिस किसान ने ये रिश्वत दी थी और काफी दिनों से वो अपने कार को लेकर परेशान था, जिसको लेखपाल घुमा रहे थे, तो जब उसने रिश्वत दी तो उसका ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद में जो मामला जब उप जिलाधिकारी टूटला जो है सत्येंद्र कुमार, उनके मामला संज्ञान में आया है तो उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उनका कहना है कि ये तहसील टूंडला में ही तैनात है अनिल कुमार, और जो कि रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं, और इनकी मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और जो भी सत्यता पाई जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी जी किशन, ये जानकारी है कि ग्रामीण से उसके काम के बदले में रिश्वत ली जा रही थी, क्या काम था और ग्रामीण से जो रिश्वत लेनी पड़ रही थी? जिस तरीके से जो वीडियो में कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ खेत के जो कागज थे उसमें कुछ त्रुटि पाई हो रही थी, जिसको लेकर वो मतलब किसान बार बार लेखपाल से संपर्क कर रहा था और उससे रिश्वत मांगी जा रही थी, उसी को लेकर जब वो किसान काफी परेशान था, जो कि उसी मतलब जब उसने रिश्वत दी तो उसका साथ ही में जो था व्यक्ति कोई होगा जो भी हो रहा हो, उसने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। कल जब ये सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो ये मामला संज्ञान में आया, जिसके बाद में उप जिलाधिकारी से इस मामले में बातचीत की गई है, और जिस तरीके से यूपी सरकार जो है भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे मामले जो सामने आते रहते हैं, ऐसे जो अधिकारी हैं जैसे छोटे छोटे रिश्वत किसानों से मांगते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और वहीं उप जिलाधिकारी का भी कहना है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो भी सत्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी किशन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। बलरामपुर में आत्महत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और आपको ये भी बता दें कि दुबई से लौटे एक युवक ने अपने घर पर खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। दरअसल युवक की दो शादियां हुई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी से कोई अनबन चल रही थी, जिसके बाद वो नाराज होकर मायके चली गई, और पति के बोलने पर जब वो वापस नहीं आई तो पति ने खुदकुशी कर ली, और युवक ने व्हाट्सएप पर लोगों को अपना सुसाइड नोट भी भेजा है। तो बलरामपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर युवक ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि पत्नी के मायके जाने से युवक नाराज था, और जिसको लेकर वो बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा था घर वापसी के लिए, लेकिन अगर उसकी पत्नी जब नहीं आई तो उसके बाद युवक ने खुदकुशी कर ली है, और लगातार बलरामपुर में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। बता दें आपको कि दुबई से लौटे एक युवक ने ही अपने घर पर खुदकुशी की है, और आत्महत्या की वजह घरेलू कलह भी बताई जा रही है। और ये भी जानकारी है कि युवक की दो शादियां हुई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी से कोई अनबन चल रही थी, जिसके बाद वह नाराज होकर मायके चली गई थी, और पति के बोलने पर जब वो वापस नहीं आई तो पति ने खुदकुशी की है, और युवक ने व्हाट्सएप पर लोगों को अपना सुसाइड नोट भेजा भी है। उत्तरकाशी गो गांव में ही बयानी गांव के लापता विवाहिता का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला है, और एसपी उत्तरकाशी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया है। मामले को लेकर महिला के पति और प्रधान को गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस का कहना है कि महिला की मौत के लिए उक्त दोनों ही जिम्मेदार है, और विकास खंड नौगांव के बनाल पट्टी के बियाली गांव की विवाहिता रानी पत्नी जगवीर लाल का शव गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला था, और उक्त विवाहिता करीब 1 सप्ताह से लापता चल रही थी, और विवाहिता के भाई संजय ने इस संबंध में बड़कोट थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, और अब पुलिस ने इस मामले में महिला के पति जगवीर लाल और ग्राम प्रधान अंकित लाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस रानी की मौत का कारण इन दोनों को मान रही है, और पुलिस का कहना है कि विवेचना जारी है, मृतक महिला की कॉल डिटेल और अन्य तथ्यों के आधार पर मृतका के पति और ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये जो मामला है पूरा 10 तारीख को 10 दिसंबर को पुलिस के संज्ञान में आया। सबसे पहले जो गांव के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं मृतक महिला के, वो आए थाने में और उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई, और उन्होंने बताया कि ये महिला है जिनका नाम रानी है, उम्र जो उनकी 26 वर्ष है, और ये जो कहीं चली गई हैं और मिल नहीं रही हैं।
तो तुरंत पुलिस ने हरकत में आते हुए जो टीम बनाई और इसमें जो है ढूंढने के लिए हमने SDRF की भी मदद ली गई, क्योंकि चूंकि एरिया वहाँ पे नदी भी है तो हमने वहाँ पे भी सर्च करवाया, आसपास जंगल में भी सर्च करवाया और हमारी टेक्निकल टीम जो है SOG की सहायता लेके भी हमने मोबाइल की लोकेशन निकाली, डिटेल निकाली, CDR निकाली, बट उससे हमको कुछ सफलता हाथ नहीं लगी। और ये टीम जो है लगातार 3 दिन तक सर्च करती रही और 14 तारीख को सुबह सुबह ये सूचना मिली कि एक महिला की जो एक बॉडी है वो हैंगिंग मिली है जंगल में। तुरंत ही पुलिस वहां गई और वहां पे जब शिनाख्त की गई तो ये पाया गया कि ये महिला वही महिला थी जिसकी गुमशुदगी दर्ज की गई, जिनका नाम रानी है। तुरंत पुलिस ने संज्ञान हरकत में आते हुए फिर इसकी बॉडी उतरवा के पोस्टमार्टम करवाया नौगांव में। चूंकि ये जो पूरा मामला था ये संदेहास्पद था और गांव वालों ने भी इसमें संदेह जताया था कि क्या इस महिला की हत्या हो सकती है। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरह से मामला सामने आया है कि जंगल में पेड़ से लटका शव मिला है महिला का, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ये महिला है ये उत्तरकाशी नौगांव की बिल्यानी गांव की ये महिला रहने वाली थी। तो ये कुछ समय से ये गुमशुदगी की उसमें थी, जिसके यहाँ इनके परिजनों ने यहाँ पर एक मुकदमा भी इस महिला के नाम पर दर्ज करवाया था। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हमने जिला एसपी से बात की उत्तरकाशी अपन युद्धवर्ती से बात की, तो इसमें खोजबीन पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी थी। तो जैसे ही महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिलता है, उसके जो भी उसके साथ जो सामान थे वो मिलते हैं, तो यहाँ पर SDRF की काफी भूमिका रही। तो क्योंकि ये 10 तारीख को ये रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी और जैसे ही महिला का शव मिला तो एक माहौल, एक हड़कंप का माहौल जरूर गांव में दिखाया। साफ तौर पर ये ग्राम सभा का कहना है कि जो उनके पति है उन पे मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जो ग्राम सभा के प्रधान है उन पे मुकदमा दर्ज करवाया गया है और इन पे कार्रवाई चल रही है। और जो बॉडी की बात की जाए तो बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम में क्या निकलता है वो अभी देखने का विषय होगा। जी जी सुमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।